नमस्कार। आगामी 14 मई 2020 को बृहस्पति देव वक्र स्थिति में होने वाले हैं, यानी बृहस्पति की चाल उल्टी होने वाली है। ये ग्रह मकर राशि में चल रहा है वर्तमान की स्थिति में, और मकर राशि से ही ये वक्री यानी उल्टी चाल के साथ धनु राशि की तरफ एंट्री करने वाला है। बृहस्पति को अगर देखें तो 4 नवंबर से लेकर अब तक, पहले ये धनु में गया, धनु के बाद धनु से मकर में, मकर से ये वापस धनु में, और लास्ट में फिर दोबारा ये मकर राशि में चले जाएंगे साल के लगभग अंत में, लगभग नवंबर के महीने में। अब एक ग्रह जो धनदायक देने वाला ग्रह है, पैसा देता है, पैसे के ऊपर कंट्रोल रखता है, सुख साधनों पर कंट्रोल रखता है, मुख्यतः कोष का कारक है। पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, उठापटक रहेगी, क्या होगा? अब ऐसा ग्रह जब गोचर में कभी नीच हो रहा है, कभी वक्री हो रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो ये हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल लाता है, क्योंकि जीवन में पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। धन सभी की जिंदगी में एक बहुत मुख्य रूप रखने वाला स्थिति कहलाती है। अब ऐसी स्थितियां अगर डामाडोल होती रहे तो हर व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ में क्योंकि बृहस्पति आजकल मकर राशि में है और मकर के स्वामी शनि, एक ग्रह जो बृहस्पति धनदायक है, दूसरा ग्रह शनि कर्म फल प्रदाता है। अब धन का और कर्म का आपस में बहुत बड़ा संयोग है ये दोनों ही ग्रह। इसमें देखिए आप, 11 मई को शनि वक्री, 14 मई को बृहस्पति वक्री, दोनों वक्रत्व स्थिति से धनु राशि की तरफ चलना शुरू हो रहे हैं। एक कर्म कारक है, जो कोई पेंडिंग वर्क रह गया हो, पुराने समय में कोई काम अधूरा रह गया हो, कोई अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट गई हो, कोई घटना खराब घटी हो, कोई घटना अच्छी घटी हो, उसको दोहराने में सक्षम है। वहीं बृहस्पति धन कारक हैं, नीच राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर आ रहे हैं, पैसा देने वाला ग्रह है, प्रोफेशन में तरक्की देने वाला ग्रह है, सामाजिक स्थिति को बनाने वाला ग्रह है, संतान देने वाला ग्रह है। अब ऐसा ग्रह नीच होके वक्री हो और धनु राशि अपनी राशि की तरफ एंटर करे, जब जब कोई भी ग्रह अपनी राशि की तरफ जाता हो तो वो खुशी महसूस करता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति विशेष कहीं भी दुनिया में घूम आए, लेकिन जब वो अपने घर में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके मन में अलग से प्रसन्नता होगी, चलो मैं अब सेफ पोजिशन में जा रहा हूं। तो वो सेफ जोन हर व्यक्ति विशेष के लिए भी बेहतर होता है, चाहे वो राशि कोई सी भी हो, चाहे ब्रह्मांड में कैसी भी परिस्थितियां चले, क्योंकि जब जब ग्रह शक्तिशाली होते हैं तो वो देश काल पात्रता के अनुसार स्थिति देते हैं। बहुत रईस व्यक्ति है तो उसके हिसाब से उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, निम्न स्तर का व्यक्ति है, बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, नौकरी नहीं है, उसके लिए भी ये प्लेनेट उसी तरीके से वर्क करेगा, लेकिन देश काल पात्रता के अनुसार। हर किसी पे वर्क करता है ग्रह, हर किसी पे वर्क करता है गोचर, लेकिन उसकी ग्रह स्थिति के हिसाब से करता है। देशकाल पात्रता ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को बहुत बड़ा मिल रहा है, आप उसकी इस कंडीशन को देखिए, अधिकारी वर्ग का निम्न वर्ग से अगर आप कंपेयर करेंगे और उनके ऊपर दोनों पे सेम नियम लगाएंगे तो दोनों ही अपनी जगह तरक्की करेंगे। हो सकता है वो साइकिल से मोटरसाइकिल ले ले, दूसरा फॉर्च्यूनर से मर्सिडीज ले ले, तो अंतर है देशकाल पात्र का। तो ऐसा ही बृहस्पति ग्रह, उसके गोचर के बारे में मैं आज आपसे यहां बात करने आ रहा हूं कि ये 14 तारीख को ये ग्रह नीच राशि मकर राशि से निकलकर वक्री होते हुए धनु में आ जाएगा और धीरे धीरे करके ये एंट्री करेगा मकर से धनु की तरफ। फिर 14 मई से लेके 30 जून तक लगभग अगर इसको देखें आप तो ये धनु में प्रवेश कर जाएगा, उसी के अंदर ये वक्री रहेगा बहुत लंबे समय तक, और 13 सितंबर तक ये ग्रह वक्री रहने वाला है। आप ये समझ लीजिए लगभग लगभग 152-153 दिन का ये गोचर का काल वक्री ग्रह बृहस्पति का है, तो उसका निश्चित व्यक्ति विशेष पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कर्म कारक ग्रह भी वक्री, धन कारक ग्रह भी वक्री, एक अपनी राशि के अंदर वक्री चल रहा है, एक दूसरे अपनी राशि के अंदर जाने वाला है, तो उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे नए यूजर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे तुरंत जैसी मैं कोई नई वीडियो जानकारी के लिए डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। 14
तारीख को जब ये ग्रह राशि वक्री होकर चलेंगे तो उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अपनी उच्चस्थ राशि से वृषभ राशि की तरफ जा रहे हैं, यानी शुक्र की राशि में जा रहे हैं। वो भी एक सुख की ही राशि है, धन की, लेकिन शुक्र सूर्य के लिए शत्रु राशि है। अब जब ये ग्रह मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार के परिणाम देगा उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि मंगल देव की राशि है, बृहस्पति उसके परम मित्र कहलाते हैं। राशि से दशम में चल रहे हैं बृहस्पति, नीच के साथ में चल रहे हैं स्वग्रही शनि। दोनों प्लेनेट वक्री स्थिति में धनु राशि की तरफ अग्रसर हैं। धनु राशि आपकी भाग्य स्थान की राशि है, भाग्य भवन का मालिक भाग्य भवन की तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं पिछले समय में कोई अपॉर्चुनिटीज भाग्य को चमकाने के लिए भी छूट गई है, तो इस बार वो अपॉर्चुनिटी आपके पकड़ में आने वाली। दूसरा, कोई हायर एजुकेशन का काम छूट गया है वो कंप्लीट होगा। तीसरा, कोई विदेश यात्रा छूट गई है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज छूट गई, किसी अधिकारी से संबंध छूट गए हैं वो पूरे होंगे। धन के लिए नए नए आवगन बनेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने की स्थितियां यहां बन रही है। साथ ही साथ आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए दूर स्थानों की यात्रा भी यहां करेंगे, जिससे आपको यहां लाभ मिलेगा। नवम भाव भाग्य धर्म के लिए जाना जाता है और बृहस्पति अपनी ही राशि में आ रहे हैं। संतति के लिए भी स्थिति अच्छी है। यदि आप संतान के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, संतान चाहते हैं, संतान नहीं हो रही है, संतान से संबंधित कोई घटना पुराने समय में खराब हो गई, तो इस बार वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति शनि आपस में है, एक कर्म भाव में बैठा है ग्रह अपनी राशि में, दूसरा भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर है। देश काल पात्रता के अनुसार मेष राशि वालों के लिए ये स्थिति उत्तम रहने वाली है। वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति अष्टमेश होके नवम में चल रहे थे। अष्टम भाव का नवम भाव में जाना एक तरीके से भाग्य के ऊपर थोड़ा ग्रहण लगाने वाली स्थिति को होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य स्थान का मालिक शनि वही है। लेकिन अब ये नीच का बृहस्पति अष्टम की तरफ वापस आ रहा है, धनु राशि में आ रहा है। अष्टम भाव किसी प्रकार की अड़चनों के लिए जाना जाता है। शुक्र से इसका कोई तालमेल नहीं है, आपकी राशि का जो मित्र नहीं है बृहस्पति, लेकिन अष्टमेश जब अष्टम की तरफ आए तो किसी ना किसी प्रकार की पुरानी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। पुराना धन आपको मिल सकता है, गड़ा हुआ धन, किसी के ने आपका पैसा रख लिया, पैसा आपका वापस नहीं दे रहा है तो वो आपका पैसा वापस देगा। पैतृक संपत्ति से विवाद सॉल्व हो जाएंगे। कोई भूमि जमीन जायदाद खरीदने का भी आपको योग बनेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं लंबे समय से, भूमि खरीद लूं, मकान के अंदर चला जाऊं, पजेशन नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अचानक से यात्राएं होंगी, लेकिन रोगों पे बीमारियों पर भी अचानक से पैसा खर्च होने की स्थिति आपके लिए बनेगी। आयु के उद्देश्य से देखें तो ये अच्छा है, अचानक से प्रगति देने के लिए भी ये अच्छा है। जरूर आपके वाणी के द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे अन्य व्यक्ति विशेष इंप्रेस हो जाएगा और आपको अचानक से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी प्रदान हो जाएगी, तो यह स्थिति आपके लिए ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए आपके सप्तमेश और दशमेश हैं बृहस्पति, चल रहे हैं आपकी राशि से अष्टम में, नीच के अष्टमेश के साथ हैं, कंट्रोल किए हुए, लेकिन अब यह स्थिति आएगी निकल के वापस धनु में। धनु सप्तम भाव, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो वह सॉल्व होगी। शादी से संबंधित प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, आने शुरू हो जाएंगे, स्थितियां उनकी तेज हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, कोई साझेदार टकरा जाएगा, विदेश यात्रा के भी मौके इस दौरान आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से कोई पैसा मिलना है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई पैसा मिलना है, कोई पैसा रुक गया है, किसी से कोई झगड़ा हो गया था, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे साझेदार से हो, वो स्थिति सुधर जाएंगी। यानी पुराने समय में अगर कोई लॉस हो गया है इस दौरान, तो वो लॉस आपका वापस आएगा और ये वक्री स्थिति आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ संकेत लेकर आएगी ही आएगी। बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि से सप्तम भाव में नीच का बृहस्पति षष्ठेश होके चल रहा, वापस जा रहा है छठे घर में। ये स्थिति, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको नौकरी करते हुए खासतौर पे अगर छूट गई है तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आएगी। आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। आप फिर से मेहनत में लगे रहिए,
आपको उससे धन भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। विदेश के लिए नौकरी ट्राई कीजिए, नौकरी बदलने के लिए ट्राई कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति बढ़िया रहेगी। शादी से संबंधित स्थितियां अभी भी डामाडोल रहेंगी, क्योंकि पूर्ण रूप से परफेक्ट गोचर अभी आपके लिए मैं इसको यहां नहीं कहूंगा। थोड़ा सा वेट आपको यहां अभी भी करना पड़ सकता है। लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम की कंडीशंस जो हो गई थी, खराब हो गई थी, उनके सॉल्व होने की स्थिति यहां बनती दिखाई दे रही है। साझेदार से मनमुटाव हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव हो गए हैं, वो यहां सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अंदरूनी रूप से जो शत्रु पक्ष है उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश छठे घर में पहुंचे हैं, खराब हेल्थ का इशारा है। वक्री भी हुआ है, नीच का भी हुआ है, अब ये धनु की तरफ चल रहा है, यानी आपके पंचम भाव की तरफ आया है। तो आपकी जो बीमारियां हैं उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालेगा। जिस बीमारियां आपको जो हुई हैं, वो जिस गलती के कारण हुई है, वो गलती आपको पकड़ में आएगी। चाहे गलती व्यापारिक हो, चाहे गलती सामाजिक हो, चाहे गलती धन के तौर पे लिए गई हो, आपके डिसीजंस अब कुछ करेक्ट होने शुरू होंगे। आपको लगेगा मैंने जो भी गलतियां की हैं उसमें मुझे अब सुधार हो जाएगा। उन सब में आपको स्वतः ही बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मेरी गलती से ऐसा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई संतान हानि हुई हो या संतान के साथ कोई वैचारिक मतभेद बहुत बड़ा हो गया हो, तो वो सिचुएशंस भी आपकी इस दौरान सॉर्ट आउट हो जाएगी। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास अगर कर रहा है तो वो ज्यादा समय तक हावी नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से उसे परास्त कर देंगे। कन्या राशि वालों के लिए देखें तो बृहस्पति पंचम भाव में नीच का हो गया और वक्री होकर चौथे घर में वापस जा रहा है। चतुर्थेश का चौथे घर की तरफ जाना पैतृक संपत्ति के फायदा, प्रॉपर्टी से फायदा, मकान की परेशान नहीं मिल रही है, परेशान मिलने का फायदा हो जाएगा। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि का सुख आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। साथ में क्योंकि आपके सुख स्थान पर केतु भी हैं, इसलिए जल्दबाजी से तो यहाँ बचना होगा। वक्रत स्थिति का बृहस्पति आपको अचानक से अपॉर्चुनिटीज ला कर देगा। जो लोग आपका पैसा नहीं दे रहे थे, प्रॉपर्टी के लिए पैसा अटका के रख लिया आपका, किसी ने पैसा ले लिया प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, वो नहीं हो रहा, लोन नहीं हो पा रहा, तो वो सारी सिचुएशंस आपके लिए यहाँ बेटर कंडीशन में होती हुई आई है। सुख स्थान में सुखेश का जाना आपको मानसिक स्थिति में प्रबलता देगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति चौथे घर में नीच के वक्री होकर तीसरे घर में जा रहे हैं, एक बड़ा स्थान परिवर्तन होना संभव है इस दौरान। अगर आपका कोई ट्रांसफर की सिचुएशन बन रही है, रुक गया है ट्रांसफर, प्रमोशन रुक गया है, किसी कारणवश रोक लिया गया है, तो वो पूर्ति करेगा। किसी प्रकार की बड़ी यात्राएं बनेंगी, किसी बड़े पुराने मित्र से मिलने के सहयोग बनेंगे, किसी व्यक्ति विशेष, मित्र, सहभागी, साथ में काम करने वाले व्यक्ति विशेष के साथ काम करने का सहयोग मिलेगा, या अचानक से मुलाकात की स्थितियां आपके सामने बनती दिखाई दे रही हैं। तृतीयेश का तृतीय घर में जाना आपके हिम्मत को बढ़ावा देने की स्थिति रहेगी। उसके बल पर आप अपने वैचारिक मतभेद अगर पत्नी से चल रहे हैं उनको भी सुधारेंगे, सामाजिक स्थिति को भी सुधारने में यह स्थिति सक्षम रहेगी। साथ ही साथ जनता का सहयोग या राजनीति से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का तीसरे घर में जाना धन का अपव्यय शो कर रहा है। बिना बात की धन खर्च हो रहा है, यात्राओं पर खर्च हो रहा है, एफर्ट्स अधिक ज्यादा लग रहे हैं, वो थोड़े से कम हो जाएंगे, धन की स्थिति बन जाएगी। वाणी स्थान आपका सक्रिय होने वाला है, यानी कुटुंब भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, आप जो कह देंगे वो सिद्ध हो जाएगा। छोटी मोटी गलतियां यदि आपसे हुई होंगी तो वो सब सुधरने की स्थिति में हो जाएंगी। ये वक्री बृहस्पति आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में सहायक होगा। सही सही समय पर सही निर्णय लेंगे, अड़चनों को रोकेंगे, रुकावटों को रोकेंगे, अपने शत्रु पक्ष को परास्त करेंगे और आपका ध्यान सिर्फ कर्म की प्रति केंद्रित करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी सिचुएशंस बन रही है। धनु राशि वालों के लिए धन भाव में नीच का बृहस्पति एक्स्ट्रा स्पोकन हो गए, फालतू बोल गए, किसी से संबंध खराब कर लिए, कुटुंब के लोगों से ससुराल संबंध खराब कर लिए, ससुराल से संबंध खराब कर लिए, वो स्थिति या कोई गलत स्टेटमेंट हो गया जिसके कारण आपको हानि होने के बहुत सारे संयोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो स्थिति आप सुधारेंगे, थोड़ा
थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, थोड़ा अपना वाणी पे कंट्रोल करेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा, मानसिक पीस शांति मिलेगी आपको, मेंटली टेंशन से आप रिमूव होंगे, बीमारी से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये एक गलत खान पान का भी एक कॉम्बिनेशन है। आपका डाइट प्लान खराब हो गया है, आपने दिनचर्या अपनी खराब कर ली है, खराब दिनचर्या के कारण आपके शरीर में रोग आ गए हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सक्रिय होंगे कि मैंने ये पिछले समय में काफी गलतियां की हैं, अब मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो वैसी सिचुएशन है, धनुराशि वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकर राशि, द्वादशेश तृतीयेश नीच का बृहस्पति आपकी राशि में चल रहा, बकरी भी है, बीमारी देगा, एक्स्ट्रा खर्चे देगा, परेशान करेगा, लेकिन ये द्वादश में वापस जा रहा है, कोई ज्यादा बड़ी स्थिति नहीं है, लेकिन आपके लग्न के लिए फायदा है, क्योंकि लग्न शनि आपके साथ आपकी राशि में ही रहने वाला है, राशि का मालिक राशि में है और द्वादशेश उसको छोड़कर पीछे जा रहे हैं, कोई बड़ा स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। आप पलायन करना चाहते थे, किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, विदेश में जाकर काम करना चाहते थे, विदेश के लोगों के साथ जुड़कर काम करना चाहते थे, कोई बड़ी डील करना चाहते थे, वो जो अटक गई है वो फिर से आपके सामने आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी बनेंगी, फिर से खुलेंगी और आपको यहाँ फायदा होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ वेट करना होगा, कब तक, जब तक ये ग्रह धनु में एंट्री नहीं कर जाता, थोड़ा सा चलने में इसको समय लगेगा लगभग, लेकिन उसके बाद ये स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश में नीच का बृहस्पति, वक्री ग्रह द्वादश में, दो वक्री ग्रह आपकी राशि का मालिक भी और बृहस्पति भी, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है, ज्यादा बोलना नहीं है, एक्स्ट्रा स्पोकन नहीं होना है, गलत डिसीजन नहीं देना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना है, साथ ही साथ खर्च पर संयम रखना है, कोई मोटा खर्च अचानक आपके ऊपर आने की अभी भी संभावना दिख रही है, इसलिए कम से कम 14 तारीख तक आपको थोड़ा सा विश्राम रखना है, यानी 14 मई तक, उसके बाद जब ये ग्रह वक्री होकर वापस पीछे की परिस्थिति में चलेगा तो आपके लाभ के अवसर बढ़ाएगा, धार्मिक कार्य कराएगा आपसे, अपने से बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ दिलाएगा, घर के बड़े लोगों से आपको लाभ दिलाने की सिचुएशंस रहेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ संयम रखना होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों के लिए नहीं है। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड है बृहस्पति, इनके लिए कोई परिस्थिति खराब नहीं है, क्योंकि अभी इनका ग्रह एकादश में चल रहा है, एकादशेश के साथ शनि के साथ है, दोनों ग्रह वक्री हैं, लाभ और कर्म के मालिक दोनों वक्री, दोनों चेष्टावली, दोनों शक्तिशाली, दोनों कर्म की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं, दोनों अपने राशि से एक स्थान पीछे यानी आपकी राशि से कर्म भाव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये प्रॉब्लम की सिचुएशंस नहीं है, ये तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लाने की स्थिति दिख रही है, नए तरीके से काम, नए लोगों के साथ काम, नया पैसा, नया व्यापार, जिस काम के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पूरा होने वाला है, और ये वक्री ग्रह आपको अच्छी खासी तरक्की यहाँ देने वाला है, धन भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सहयोग आपको मिलेगा, शत्रु पक्ष को आप यहाँ परास्त कर पाएंगे। तो बृहस्पति का गोचर जो कि मकर राशि से धनु की तरफ वक्री स्थिति में आ रहा है और लंबे समय तक वक्री रहेगा ये ग्रह, और जब धन का कारक चेष्टा बली हो जाए तो जरूर कुछ ना कुछ 12 की 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया ही है, तो उसी से जुड़ा हुआ था मेरा ये आज का विषय। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, यदि आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, नमस्कार।